जी असलकुम क्या हाल चाल सब ठीक ठाक हो आवाज आ रही है स्क्रीन भी शो हो रही है टाइम पर आया करो यार टाइम पर आया करो आवाज नहीं आ रही मेरी यहां आ रही है चलो सब ठीक चले जी आज हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं चलें स्टार्ट करते हैं मे भी हो सकता है कल से फिर हम इनशाला जो ऑनसा है वो फिर रिकॉर्डिंग के ऊपर शिफ्ट हो जाए क्योंकि आप लोग जो उनसे हैं वो लाइव रिस्पांस नहीं आ रहा चलो इसका कुछ करते हैं अच्छा जी तो हमारे पास आज पाकिस्तान अफेयर्स के कुछ एमसीक्यूज हैं हमारे पास तो पाकिस्तान अफेयर्स की जो चीज़ें हैं उनको जो उनसे है आज हमने देखना है तो उसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास पाकिस्तान कल हमने थोड़े से पाकिस्तान बनने से पहले की चीज़ों को देखा था कल हमने पाकिस्तान बनने से पहले की चीज़ों को देखा था तो पाकिस्तान बनने के बाद कुछ सवाल पूछे जाते हैं या जो रिसेंटली पूछे गए हैं उनको आज हम देखेंगे कि जनरल ऑफ पाकिस्तान तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल जो आजम थे तो उन्होंने जो सा है आजम ने गवर्नर जनरल के तौर पर हल्फ कब लिया तो वो आपके पास कब वो क्या है वो है आपके पास फिफ्टीन अगस्त ये स्टूडेंट्स यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पाकिस्तान शायद फोर्टीन अगस्त को बना था तो इस वजह से लेकिन फिफ्टीन अगस्त जोन सा है पाकिस्तान जो है उन्होंने हल्फ लिया था एज अ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान और कैद आजम से हल्फ किसने लिया था उस टाइम पर पाकिस्तान के पहले जो चीफ जस्टिस थे अब्दुल रशीद अब्दुल रशीद साहब जोन से उन्होंने कैद आजम से क्या लिया था हल्फ लिया था तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये दोनों सवाल पूछे जाते हैं तो आप लोगों ने ये दोनों जो हैं वो याद रखने हैं उसके बाद हु बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो पहले गवर्नर जनरल कायदे आजम हो गए और पहले पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे लियाकत अली खान थे और लियाकत अली खान जो इन्होंने भी 15 अगस्त को हल्फ उठाया और इनसे हल्फ लिया था इनसे हल्फ लिया था पहले गवर्नर जनरल जो कायदे आजम मोहम्मद अली जीना थे तो कायदे आजम से हल्फ किसने लिया अब्दुल रशीद साहब जो कि पाकिस्तान के पहले जो चीफ जस्टिस थे और पहले प्राइम मिनिस्टर से हल्फ किसने लिया गवर्नर जनरल जो कि कायदे आजम मोहम्मद अली जीना साहब थे ठीक है तो डी ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट है How many ruled तो के अंदर टोटल चार गवर्नर जनरल आए सबसे पहले हमारे पास यहाँ मैं कैदे आजम मोहम्मद अली जीना फिर ख्वाजा नाजिमुद्दीन ये वाहिद गवर्नर जनरल है जिनका ताल्लुक बंगाल से था और ये गवर्नर जनरल भी रहे हैं और ये पाकिस्तान के ये वाहिद आपके गवर्नर जनरल है जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं यहाँ मैंने क्या कहते हैं यहाँ मेंशन किए हुए हैं प्राइम मिनिस्टर्स जो स्टार्ट वाले हैं और आप लोगों आप लोगों का जीके सीरीज के अंदर प्राइम मिनिस्टर्स का एक लेक्चर भी हुआ था उम्मीद है आप लोगों को वो याद होगा तो ख्वाजा नाजिमुद्दीन ये बंगाल से इनका ताल्लुक था और ख्वाजा नाजिमुद्दीन साहब जो से हैं ये आपका जो सा है ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहने का भी इनके पास जोन सा है वो क्या है एजाज है और ये पाकिस्तान के सेकंड गवर्नर जनरल भी बने हैं और सेकंड प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं तो ये दोनों आप लोगों ने याद रखने हैं तो ये जो है ये सवाल जो इंपॉर्टेंट है तो इसमें ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सबसे लॉन्गेस्ट एन गुलाम मोहम्मद साहब का था सबसे और सबसे शॉर्टेस्ट एने जो सा है वो सिकंदर मिर्जा साहब जो उनका गवर्नर जनरल का था और ये सारे सवाल जो हैं वो पूछे जाते हैं When did Pakistan become member of United Nations? तो जो है, हम वर्ल्ड बैंक का देख चुके हैं आई एम एफ का देख चुके हैं पाकिस्तान ने उन्नीस सौ पचास में ज्वाइन किया था तो यूनाइटेड नेशन जो है वो पाकिस्तान तीस सेप्टेम्बर नाइनटीन फोर्टी सेवन को पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया था और यूनाइटेड नेशन पहली ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जिसको पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था पाकिस्तान ने सबसे पहले जो सा है फूड एंड एग्री कल्चर एफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे पहली अगर सवाल पूछा जाए तो वो ऑर्गेनाइजेशन कौन थी एफ ए ओ ठीक है तो FAO जो उनसा है, ने उसको किया था। और जब पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना था तो उस टाइम पर कौन सा ऐसा मुल्क था जिसने पाकिस्तान को जो उनसा है उसकी मेंबरशिप को अपोज किया था तो वो आपकी वो आपका मुल्क था उसका नाम था जी अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद है ड्यूरेंट लाइन उसका तनाजा था जिसकी वजह से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की रुकनीत को जो है अपोज किया था इन यूनाइटेड नेशन के पाकिस्तान नेशन का मेंबर नहीं बनना चाहिए अच्छा जी सबसे पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हमने अभी देखा लियाकत अली खान तो ये अभी रिसेंटली एक सवाल पूछा गया था लियाकत अली खान जो है उन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर जो सा है वो सबसे पहला जो सा है पाकिस्तान के लिए जो दौरा किया था वो कहाँ किया था सॉरी क्या कहते हैं पहला दौरा नहीं 1950 के अंदर जो एक दौरा किया था लियाकत अली खान ने तो वो कहाँ किया था तो वो यूएसए अमेरिका के अंदर जो सा है लियाकत अली खान साहब जो है वो दौरा करने के लिए गए थे और ये लियाकत अली खान साहब जोन है इनके हवाले से और भी काफी सारी चीजें इनका आगे एक और भी आएगा इनको असेसिनेट भी किया गया ठीक है पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिनको ये असेसिनेशन की गई उसके बाद जो है फिर आपके और भी दो तीन प्राइम मिनिस्टर जिनमें एक हुन शहीद सोहर साहब है उनको भी लबनान में शहीद किया गया फिर बीबी -बी, भुटो बीबी जोन बेनजीर साहिबा उनको भी रावल के अंदर शहीद किया गया तो ये जो सारे सवाल आप लोगों को आइडिया होना चाहिए बिच कंट्री एसे पाकिस्तान फर्स्ट तो ईरान ने जी ठीक है ईरान जोन सा है ईरान ने सबसे पहले पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था पाकिस्तान की कोई यूनाइटेड नेशन के अंदर मेंबरशिप किसने अपोज की थी अफगानिस्तान ने लेकिन पाकिस्तान को सबसे पहले एक्सेप्ट किसने किया था वो ईरान ने किया था और ईरान ही वो वाहिद मुल्क है जिसने पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले अपनी एम्बेसी भी ओपन की थी और पाकिस्तान का पूछा जाए तो पाकिस्तान ने इजिप्ट के अंदर सबसे पहले अपनी एम्बेसी जो है उसको क्या किया था ओपन किया था अभी ये बात कर रहे थे लियाकत अली खान की वेन लियाकत अली खान वॉज अटेड तो कंपनी बाग कंपनी बाग जिसका अब नया नाम क्या है लियाकत बाग ठीक है है इसका नाम क्या लियाकत रावल पिंडी के अंदर है वहां सोलह अक्टूबर अक्तूबर फिफ्टी वन को लियाकत अली खान को क्या किया गया था शहीद किया गया था उनको क्या किया गया था अफ, क्या कहते हैं अकबर अफगान मेरे ख्याल में उसका नाम था जिसने इसको जो है लियाकत अली खान को क्या किया था गोली मारी थी तो लियाकत अली खान जो है वो सोलह अक्टूबर नाइनटीन फिफ्टी वन को कंपनी बाग रावलपिंडी के अंदर जिसको अब क्या है बाग कहा जाता के के तो है इन्हीं उसका नाम है ट्रीटी ऑफ अमृतसर ठीक है ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत जो है यहाँ ब्रिटिश की जगह अगर हम मैं बताऊं तो यहां होना चाहिए ईस्ट इंडिया कंपनी क्योंकि उस टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत थी

उसको जो सा है ये गुलाब सिंह को ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैंने ये ये भी मेंशन कर तो कर कर दिया 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 तो क्या था था कश्मीर आपका अच्छा जी पाकिस्तान और इंडिया का जब बंटवारा हुआ पाकिस्तान हो गया इंडिया हो गया तो उस दौरान जो कश्मीर का इशू आया तो इंडिया जो सा है ग्रीब्ड पार्टी के तौर पर ग्रीव्ड पार्टी जो जिसके साथ ज्यादा हुई हो ग्रीव्ड पार्टी के तौर पर कश्मीर कश्मीर का इशू लेकर कहा गया यूनाइटेड नेशन के अंदर गया तो यूनाइटेड नेशन के अंदर गया तो वो कौन से डेट को गया कौन से ईयर के अंदर गया तो जनवरी उन्नीस सौ अड़तालीस को नेहरू साहब हैं जो इंडिया के जवाहरलाल नेहरू हैं जवाहरलाल जो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू तो जवाहरलाल लाल नेहरू साहब जोन से है वो इंडिया का केस जो है सबसे पहले ग्रीव्ड पार्टी के तौर पर यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल जोन सी है वहां लेकर गए थे तो ए ऑप्शन हमारे पास इसकी क्या है करेक्ट होगी फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर जो पाकिस्तान के थे वो कौन थे गुलाम मोहम्मद ये वही गुलाम मोहम्मद है जो पाकिस्तान के थर्ड गवर्नर जनरल भी थे और ये पाकिस्तान का सबसे लॉन्गेस्ट टर्नियोर एज अ गवर्नर जनरल रहने का एजाज भी इन्हीं के पास है गुलाम मोहम्मद के पास तो ये पाकिस्तान के पहले वजी खजाना भी थे गुलाम मोहम्मद तो ये तीनों चीजें आपने याद रखनी है वजी ख़जाना भी लॉन्गेस्ट टन और थर्ड जौन है ये थर्ड नंबर पर गवर्नर जनरल भी बने हैं और इनका लॉन्गेस्टर है

सिकंदर मिर्जा है वो पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट जो है वो बन जाता है ठीक है क्योंकि उसके अंदर जो है वो आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखी गई थी लेकिन अब मसला ये होता है कि वो इलेक्टेड नहीं था गवर्नर जनरल था उसका अहदा चेंज करके क्या कर दिया गया प्रेसिडेंट बना दिया गया लेकिन ये जो अयूब खान साहब थे अयूब खान साहब जो थे अयूब खान साहब जो ये 1965 के अंदर सा है, 1965 के अंदर जब इलेक्शन होते हैं तो ये उसके तहत जोन सा है वो बनते हैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट वो एक इलेक्शन के थ्रू बेसिक डेमोक्रेसी के थ्रू जो एक इलेक्शन होता है उसके थ्रू ये इलेक्ट होते हैं तो इलेक्टेड प्रेजिडेंट की जब भी बात आएगी तो वो कौन होंगे अयूब खान होंगे अगर सिंपल हो तो वो आप लोग जो है वो फिर सिकंदर मिर्जा को देख सकते हो इन विच ईयर फॉर्मल ट्रीटी फॉर्मल ट्रीटी ऑफ वाटर कौन सी हुई थी आप सब लोगों को पता है, मेरे में मुझे बताने की नहीं है. आप लोग खुद भी मैं ट्रिटी का, का, का नाम था सिंध तास मोहदा जिसको हम कहते हैं सिंध तास ट्रिटी ठीक है सिंध ताश जो सा है वो आपका मोहदा जो, जो ट्रिटी हुई थी सिंध तास की और वो किसके ऊपर थी वाटर थी. के ऊपर थी किसके दरमियान हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई थी कब हुई थी 1960 के अंदर हुई थी कौन किसने इसके अंदर ये ये ट्रीटी किसने करवाई थी किस ऑर्गेनाइजेशन ने करवाई थी वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी ये सारे सवाल पूछे जाते हैं ठीक है तो जो आपका सिंह ताज का मुआदा था किसने करवाया वर्ल्ड बैंक ने करवाया कब हुआ 1960 में किस किस के दरमियान हुआ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ आपको पता है जो ईस्ट के दरिया है जिसमें आपका क्या सतलुज आता है ब्यास आता है रावी आता है ये पाकिस्तान ने इंडिया को दे दिए और वेस्ट के जो दरिया थे जिसमें था, चनाब था और आपका अल्लाह भला करे सिंध था दरिया सिंध ये तीनों जोन सा है ये तीनों जो तीनों दरिया जोन से है ये आपके कहाँ चले गए ये तीनों दरिया पाकिस्तान के पास आ गए तो इस तरह से जो सा है ये इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो सिंध तास जिसको हम कहते हैं उसके अंदर जो है वो ये हुआ सेवेंटी फाइव क्या अच्छा आफ्टर डी वॉर ऑफ़ 1965 1965 की जंग हुई 1965 की जंग यूब खान प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेसिडेंट के पाकिस्तान के उस टाइम पर और ए, इस दौरान जॉन्स है पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे उनका नाम था जनरल मूसा खान उनका क्या नाम था उनका नाम था जनरल मूसा खान तो इस जंग के दौरान जो सा है ये सत्रह 17, 17 दिन तक ये जंग चलती रही और उसके दौरान एक, एक उसके बाद एक फिर हुआ 1966 के अंदर ठीक है 1960, दस जनवरी सिक्स के अंदर एक मॉयदा हुआ उसको हम कहते हैं ताशकंद पैक्ट ठीक है तो ताशकंद पैक्ट जो सा एक तो उस टाइम पे जो सोवियत यूनियन था उसने पाकिस्तान और इंडिया को जो सा है वो साथ लेकर आए ठीक है उन्होंने क्या किया पाकिस्तान और इंडिया को साथ लेके आए और उन्होंने क्या है इसके ऊपर जंग बंदी करवाई तो पाकिस्तान को इसके अंदर कौन रिप्रेजेंट कर रहा था खान जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे और लाल बहादुर शास्त्री जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे और ये इंडिया के क्या थे प्राइम मिनिस्टर थे और दस जनवरी जो सा है दस जनवरी को जो सा है ये मुआदा होता है और अभी ये सारे वही थे अगले दिन ग्यारह जनवरी को ये लाल बहादुर शास्त्री को हार्ट अटैक होता है और इनकी डेथ हो जाती है

वैन पीपल्स पार्टी ये भी करंट अफेयर्स में आप लोगों को करवाया था तीस नवंबर वाले दिन के योम तासीस मनाया जाता है तो इसको हमें जरूरत नहीं है करने की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीस नवंबर सेवन को लाहौर के अंदर जो ये कायम की गई थी और जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जो से जुल्फिकार अली भुट्टो साहब हैं वो क्या है वो इसके फाउंडर हैं अच्छा जी वैन जनरल रिजाइन फ्रॉम हज प्रेजिडेंसी जनरल अयूब खान साहब जो नाइन फिफ्टी एट के अंदर आते हैं और पच्चीस मार्च नाइन सिक्स को है वो किसके हवाले कर देते हैं

कि 18 साल से ऊपर जितने लोग थे वो पहली दफा वोट डाल सकते थे तो इस मुल्क के अंदर पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ दिसंबर 1970 के अंदर हुआ और किसके अंडर हुआ जनरल यही खान जोन से जो, जो कि एक मिलिट्री डिक्टेटर थे उनके अंदर जो है पाकिस्तान का पहला जो जनरल इलेक्शन है वो जनरल यही खान के अंडर कमांड के अंदर जो सा है वो हुआ था तो ऑप्शन करेक्ट हो गई

सरेंडर करना पड़ा पल्टन मैदान के अंदर ढाका के अंदर तो ये इसको थर्टीन डेज वॉर कहते हैं और उन्नीस की जो जंग है उसको क्या कहते हैं उसको सेवनटीन डेज वॉर कहते हैं उन्नीस की जंग के दौरान पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे उनका क्या नाम था नूरुल अमीन

1971 की जंग के बाद हमारे पास शिमला अकॉर्ड होता है तो शिमला अकॉर्ड शिमला जोनसी एक जगह है टूरिस्ट रिजॉर्ट है इंडिया के अंदर तो शिमला अकॉर्ड कब होता है सेकेंड जुलाई 1972 के अंदर होता है जैसे ताशकंद के अंदर लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान एक दूसरे मुल्कों को रिप्रेजेंट कर रहे थे और यहाँ भुट्टो साहब जो सुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे और इंदिरा गांधी साहिबा जो हैं इंदिरा गांधी साहिबा जो हैं वो क्या कर रही थी वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी तो ये आप लोगों ने इसको याद रखना है ही कुछ चीजें चल रही थी तो प्रेजिडेंस प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी लेकिन उसी दौरान क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर उन्नीस सौ इकहत्तर का आइन आ गया तो उन्नीस सौ इकहत्तर का आईन हुआ चौदह अगस्त नाइनटीन सेवेंटी थ्री को इन्फोर्स हो गया तो ये रिटेंशन 1973 के आईन के ऊपर भी ना आपको डिटेल के अंदर वो चीजें मैं लेक्चर करवाऊंगा अफसर स्टूडेंट्स उसका भी कह रहे थे तो 14 अगस्त 1973 को जब तीसरा पाकिस्तान का आईन इनफोर्स हुआ उसी दिन जौनसे भुट्टो साहब जौनसे हैं वो क्या है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए क्योंकि उससे पहले वो क्या प्रेसिडेंट थे तो बी ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट है अच्छा जी भुट्टो साहब के दौर के अंदर, OIC, के अंदर हुई थी। इजलास था, था? लाहौर के अंदर हुआ था यह भी याद रखना है फरवरी 1974 के अंदर ओ आई सी सेकेंड इजलास हुआ था ओ आई सी जो नाइनटीन सिक्सटी के अंदर थी उसका सेकेंड इजलास हुआ था पाकिस्तान के अंदर कहा हुआ? शहर कौन सा है लाहौर और बांग्लादेश उसके अंदर एक और चीज याद रख लेनी है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान ने कंट्री मुल्क जो है, वो तस्लीम कर लिया था इस इस जो आपकी, की अंदर हुई थी आपकी नाइनटीन सेवेंटी फोर के अंदर लाहौर के अंदर पीएनए मूवमेंट पाकिस्तान पीएनए को क्या कहते हैं पाकिस्तान ने क्या है पाकिस्तान तो ए, नेशनल अलायंस या दूसरे लफ्जों में इसके तीन नाम है इसको नौ सितारे भी कहा जाता है पी एन ए को क्या कहा जाता है नौ सितारे भी और इसी मूवमेंट को तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा भी कहा जाता है जो कि अभी रिसेंटली सवाल पूछा गया था कि तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक किसके खिलाफ चली थी तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक जो सी है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ चली थी जिसके बाद नाइनटीन सेवेंटी सेवन के अंदर उनको घर जाना पड़ा था तो ये पी एन ए की मूवमेंट आ जाए और यहाँ आपके पास तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा आ जाए या नौ सितारे है क्योंकि इसमें नौ पार्टीज थी ठीक है? इसको मुफ्ती महमूद कर रहे थे तो ये सारी बी ऑप्शन है तो भुटो साहब जोन से उनके बाद हमारे पास जेउल हक साहब आ गए जयाउल हक साहब जोन से उन्होंने जुलाई नाइनटीन के अंदर मार्शाला लगा दिया तो भुटो साहब जोन से उनको फिर फांसी लगा दी गए भुटो साहब को चार अप्रैल भुट्टो साहब को चार अप्रैल 1979 को क्या किया गया रावलपिंडी के अंदर रावलपिंडी की जो डिस्ट्रिक्ट जेल है उसके अंदर उनको फांसी पे लटका दिया गया तो चार अप्रैल 1979 अहमद कसूरी केस केसौसा है अहमद कसूरी केस के अंदर जो भुट्टो साहब को क्या हुई थी फांसी हुई थी तो बी ऑप्शन हमारे पास इसकी क्या है Correct है अच्छा जी वैन जनरल जिया हेल्ड द रेफरेंडम जनरल जिया साहब ने एक रेफरेंडम हेल्ड किया था वो आपके पास कब उन्होंने हेल्ड किया था नाइनटीन दिसंबर नाइनटीन के अंदर 1984 के अंदर उन्होंने एक रेफरेंडम हेल्ड किया था रेफरेंडम में पूरी दुनिया, पूरी दुनिया दुनिया कह रहा हूं, एक मुल्क के अंदर जो, जो लोग रह रहे होते हैं उनकी राय ली जाती है कि आप इससे मुतफिक हो कि नहीं तो जिया साहब ने जो उनसे पूछा था कि आप क्या पाकिस्तान के अंदर इस्लामी निजाम लाना चाहते हो तो लोगों ने कहा जी तो उन्होंने कहा ठीक है फिर मैं ही लेके आऊंगा इस्लामी निजाम आप लोगों के लिए तो फिर वो दस साल तक हमें इस्लामी निजाम भुगतना पड़ा तो डी ऑप्शन हमारे पास क्या है इसकी करेक्ट है

नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन क्या था कि कैंडिडेट अपने डिफरेंट निशानों के ऊपर जो है वो इलेक्शन लड़े थे कोई पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पे नहीं लड़ा कोई नून लीग के प्लेटफॉर्म पे नहीं लड़ा तो, तो वो जो कहते हैं है, पहली दफा और ये पहली और आखिरी दफा हुए थे और इसमें मोहम्मद खान जुनेजो को जो प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था अच्छा जी जया हक साहब जो नाइनटीन एटी एट के अंदर उनकी डेथ हो जाती है कहाँ हुई थी बहावलपुर के पास जोन है जिया हक साहब जोन सा है, उनका त्यारा जोन है और उनकी क्या होगी डेथ होगी तो 17 अगस्त 1988 के अंदर जोन है उनका त्यारा गिरा और तो 17 अगस्त को उनकी क्या है डेथ हो गई और उनको जोन है जो आपकी फैसल मस्जिद है फैसल मस्जिद के पास जोन सा है, उनको वहां दफनाया गया तो इस्लामाबाद के अगर फैसल मस्जिद जाए तो वहां जोन सा आपको जयाउल हक साहब की जोन है वो खबर नजर आएगी यहाँ बुक एक है कि एक मैंगोज के बारे में पूछा जाता है एक्सप्लोडिंग मैंगोज सा एक नॉवल स्टेरिकल नावल है तंजिया नॉवल है जयाउल हक साहब के ऊपर बना हुआ है और ये किसने लिखा है मोहम्मद हनीफ साहब ने मैंने जो आपको लेक्चर सिक्स आपकी सीरीज है उसके अंदर डिटेल के अंदर सारी बुक्स करवाई हुई हैं अगर किसी ने नहीं की तो उसको कर लो उसके अंदर ये मेंशन है सारी बुक्स तो उसमें ये एक्सप्लोडिंग मैंगोज भी है ये बहुत दफा सवाल एक्सप्लोडिंग मैंगोज जो है उसका पूछा गया है अच्छा जी व्हेन द इलेक्शन टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज वर्ल्ड वर हेल्ड इन नाइनटीन तो 1988 के अंदर जियाउल हक साहब की जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होते हैं तो नवंबर 1988 के अंदर इलेक्शन होते हैं तो बेनजीर भुट्टो साहिबा जोनसी हैं वो पहली जोनसी हैं मुस्लिम ए, फीमेल जोनसी हैं मुस्लिम और ओवरऑल भी दुनिया में पहली फीमेल जोनसी है वो क्या है प्राइम मिनिस्टर बन जाती है और सेकेंड दिसंबर नाइनटीन को वो हल्फ उठाती है ये एफ में सवाल पूछा गया था कि बीबी ने बीबी ने पहली दफा जब प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो हल्फ कब उठाया था तो सेकेंड दिसंबर नाइनटीन को उन्होंने पहली दफा क्या था हल्फ उठाया था साहिबा की हुकूमत आ जाती है तो बेनजीर साहिबा की हुकूमत को 58 2B के चार्ज लगा कर क्या कर दिया जाता है अठावन टू बी क्या है ये आयन की एक शीख होती थी जिसको फिर आठवीं तरमीम के तहत खत्म कर दिया गया नाइनटीन एटी फाइव के सॉरी आठवीं तरमीम कह रहा हूँ थर्टींथ अमेंडमेंट के तहत नाइनटीन नाइनटी सेवन के अंदर जो है इसको खत्म किया गया तो फिफ्टी एट टू बी क्या थी इसमें सदर के पास ये था कि वो प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सकता था बी के, के के, पास अंदर क्या था इसके तहत सदर के पास यह अख्तियार था कि वो प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सकता था तो 6 अगस्त 1990 को गुलाम इसहा खान ने जो है पहली दफा फिफ्टी एट टू बी को इस्तेमाल किया और गुलाम इसहा खान साहब को ने क्या किया बीबी -बी की हुकूमत को घर भेज दिया तो छ अगस्त उन्नीस सौ नब्बे बीबी 2 दिसंबर 1988 को आई और 6 अगस्त 1990 को अठावन टू बी के तहत गुलाम इसहा ने उनको क्या कर दिया घर भेज दिया तो ए ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट है बैतुल माल पाकिस्तान के अंदर हुआ था एक इदारा बैतुल माल जो आपका जकत वगैरह ये सारी चीजें और लोगों की गरीब लोगों के उसके लिए बना था तो नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर 1990 में बना था सवाल पूछा गया था रिसेंटली कि बैतुल माल किसके दौर के अंदर बनाया गया था तो नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर नाइनटीन के अंदर ये इदारा जो उनका है वो बना था अच्छा जी मिसेस बेनजीर भुट्टो बेनजीर भुट्टो साहेबा जो प्राइम मिनिस्टर बनी तो 1993 के बनी, 1993 से फि 1996 तक वो रही फिर दो साल और फिर उनको जोंसा है, लगारी ने घर दिया तो बी ऑप्शन हमारे पास क्या है? है अच्छा जी ये तो आसान है कि न्यूक्लियर धमाके जो से है वो आपके कब हुए अट्ठाईस मई जिसको हम योम तकबीर भी मनाते हैं ठीक है आपके चागी हिल्स के अंदर चागी के मुकाम के ऊपर जो है अट्ठाईस मई

और चौथा और आखिरी मार्शाला जनरल परेज मुशरफ ने बारह अक्टूबर 1999 को लगाया था और उसके बाद नवाज शरीफ साहब की दो तो अच्छा 2002. 2002 के अंदर मुशरफ साहब ने इलेक्शन करवाया तो जब 2002 में इलेक्शन हुए तो उसके बाद मीर जफरुल्ला खान जमाली ये मीर जफर खान जमाली जो इनका ताल्लुक बलोचिस्तान से था बहुत कम प्राइम मिनिस्टर आए हैं ऐसे मुझे कन्फर्म नहीं है लेकिन देख लीजिएगा मेरे ख्याल में जफर जमाली पाकिस्तान के शायद पहले प्राइम होंगे और वाहिद प्राइम मिनिस्टर होंगे जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान से था अगर मैं कोई और होंगे तो वो आप लोग देख सकते हो यहाँ बात में कमेंट्स में मुझे बता देना कि सर ये प्रे... मैं केयर टेकर्स की बात नहीं कर रहा जो सा है जो पाकिस्तान के वैसे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं उनमें से

चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले से दो सवाल पूछे जाते हैं एक तो कब साइन हुआ था, जी? 2006 के अंदर हुआ था। और दूसरा सवाल पूछा गया था, कि हुआ था लंदन के अंदर किस -किस के हुआ था? के और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ठीक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जोन है वो साइन हुआ था तो दो हजार के अंदर इसको साइन किया गया था बी ऑप्शन हमारे पास क्या है प्रोडक्शन लास्ट जीत ऑपरेशन लाल मस्जिद ऑपरेशन सा है आपका मुशरफ साहब के दौर के, के अंदर लाल मस्जिद का ऑपरेशन शुरू किया गया तो 2007 के अंदर लाल मस्जिद का ऑपरेशन शुरू किया गया तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या है इसकी करेक्ट है लाल मस्जिद ऑपरेशन सा है वो हमारे पास कब शुरू किया गया जुलाई दो के अंदर ये शुरू किया गया था मौलाना साहब थे मौलाना अब्दुल अजीज साहब और मौलाना अब्दुल रशीद साहब तो उन्होंने शरीय नाफिज कर दी थी तो इसलिए मुशरफ साहब ने फिर क्या कहा फिर मुशरफ साहब ने उनके ऊपर ये लाल मस्जिद का एक ऑपरेशन किया था छब्बीस अलेवन अभी इसकी है वो एनिवर्सरी गुजरी है छब्बीस अलेवन छब्बीस नवंबर ठीक है छब्बीस है क्या है महीना है महीना तो छब्बीस नवंबर छब्बीस नवंबर दो हजार आठ को छब्बीस नवंबर दो हजार आठ को इंडिया के अंदर अटैक्स होते हैं जिसको क्या कहा जाता है मुंबई अटैक्स कहा जाता है जिसको मुंबई अटैक्स कहा जाता है और जिसकी आज तक जो है वो जिम्मेदारी इंडिया जो पाकिस्तान के ऊपर लगाता है तो ये छब्बीस अलेवन कब हुआ था 2008 के अंदर इसको 2611 भी कहा जाता है इसको मुंबई अटैक्स भी कहा जाता है होटल है इंडिया का ताज होटल वहां जो है मुंबई के अंदर ये अटैक हुए थे और उसके बाद जो पाकिस्तान और इंडिया के हालात आज तक ठीक नहीं हो सके लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास यूसर फजा गिलानी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूसर रजा गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्ट, पार्टी से इनका ताल्लुक था 2008 के अंदर ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे तो इनको डिसक्वालीफाई किया गया था इनको क्या किया गया था इनको किया गया था और इनको इनकोफाई क्यों किया गया था ऑफ कोर्ट इनको कहा गया था कि आप स्विस बैंकों के लिए खत लिखें इन्होंने खत लिखने से इनकार कर दिया था तो उन्नीस जून उन्नीस जून उन्नीस जून दो 20 को या आपने सिर्फ जून दो याद रख लो या साल याद रख लो 2012 जून के अंदर यूसुफा गिलानी साहब को क्या कर दिया गया कंटेम्प ऑफ कोर्ट के तहत इनको क्या कर दिया गया नाहल कर दिया गया ठीक है तो ये यहाँ आपके आपके पाकिस्तान अफेयर्स के सवाल थे अगर इसके अलावा किसी का कोई और सवाल हो जनरल तो वो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे ख्याल में यहां तक आप लोगों को कोई मसला नहीं होना चाहिए ये चीज भी क्लियर है या इसके रिलेटेड भी कोई सवाल है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं कोई मसला नहीं है यहां तक किसी का कोई सवाल वगैरह है तो वो आप लोग क्या है पूछ सकते हैं बाकी कल का इनशा आपका लेक्चर शायद में भी लाइव हो या ना हो वैसे भी आप लोग थोड़े से स्टूडेंट्स ही लाइव आते हो तो शायद में भी हो सकता है कल से या नेक्स्ट फिर वीक से मैं इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में कर लू ताकि आप लोगों की सीरीज तो चलती रहे लेकिन इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में क्योंकि फिर ऐसे टाइम और सारी चीजें मैनेज करना आप लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि आप लोग ज्यादा बिजी होते हैं तो फिर मेरे लिए भी थोड़ा बहुत मुश्किल हो ही जाता है कभी कभी तो कल इनशा आप लोगों को रिकॉर्डिंग आज ये लेक्चर नाइन है कल लेक्चर टेन होगा कल लेक्चर टेन की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी अगर लेक्चर ना हुआ तो और उसके बाद आगे सैटरडे आपको ऑफ है संडे को हफ्ते के अंदर जितने लेक्चर हुए हैं लेक्चर सिक्स सेवन एट नाइन और टेन पांच लेक्चर सिक्स से ऑनवर्ड आपके जितने हुए हैं उन सबका आपका फिर संडे को क्या हो जाएगा टेस्ट हो जाएगा ठीक है जी इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करो और दुआओं में याद रखना अल्लाह हाफिज रब रखा